अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है हमारे पास। चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, वेक्टर्स का चैप्टर है। पहला प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन के मुताबिक व्हाट आर द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन इफ द डायरेक्शन इज 250 डिग्री काउंटर क्लॉक वाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 7.3। यानी के वैक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, वेक्टर का एंगल दे दिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से 250 डिग्री और मुझसे एक्स कंपोनेंट मांगा जा रहा है, वाई कंपोनेंट मांगा जा रहा है। अब ए एक्स हम जानते हैं, ए कॉस ऑफ थीटा, अब ए का मैग्नीट्यूड पता है वो है 7.3, कॉस ऑफ थीटा कॉस 250, सारे को सॉल्व करेंगे -2.50 मीटर आ जाएगा। और ए वाई किसके बराबर आएगा, ए साइन ऑफ थीटा, ए का मैग्नीट्यूड साइन 250, इस सारे को सॉल्व करेंगे -6.86 मीटर, जिसे आप -6.9 मीटर कह सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव है, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है, ओके होगी बात। अच्छा, अब अगर हम इसका काउंटर चेक करना चाहें कि आया ये जवाब हमारा सही भी है या नहीं, तो दोनों एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो वो देखें 7.3 आएगा। एंगल निकाला जा सकता है तो वो 250 डिग्री ही आएगा। अब जब हमने एंगल निकालना है तो आपके पास ये नेगेटिव नेगेटिव आप ना भी लगाएं तब भी आपके पास 70 डिग्री आंसर आएगा। हमें इस नेगेटिव नेगेटिव से सिर्फ ये अंदाजा होता है कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो 180 यहाँ तक और अगला एंगल ये, क्योंकि जो कंपोनेंट बनने हैं वो तो इस वेक्टर के इस जगह पे बनने हैं, तो 180 तो डिफाइन है कि थर्ड क्वाड्रेंट से पहले पहले 180 ले चुका है, तो 70 डिग्री और तो वो 250 डिग्री बनेगा। तो ये इसका सलूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।